हाय फैमिली, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया होंगे यार। सर, क्या हो रहा है? ये तमाशा हो रहा है क्या? एक दिन जा रहा ऊपर, एक दिन जा रहा नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर नीचे, क्या है ये? समझ के बाहर हो रहा है बॉस। क्या है ऐसी मार्केट को बॉस, एक ही तरीके से अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो है लाइव मार्केट में। जैसे मैंने कल क्या बोला था, लाइव मार्केट में बॉस शॉर्ट करना ही नहीं है, क्योंकि पोजीशंस तेजी की बनी हुई थी बॉस, बना रहे थे और बनते जा रही थी। ठीक है, सुबह के आधे घंटे के अंदर ही बोल दिया था आपको। ये होता है बॉस प्रिडिक्शन, ये होता है एक्सपीरियंस बॉस, ये एक्सपीरियंस ही है भाई, कोई और कुछ नहीं है, नॉलेज है जो मैंने तुम लोग को शेयर करी थी। अब एक बात बताओ, कितने लोग ऑप्शन सेलर्स हैं, कितने लोग ऑप्शन बायर्स हैं अपने उसमें, व्यूअर्स में या अपने ग्रुपों में? सर, ऑप्शन सेलिंग वालों एक बात बताओ भाई, कितना पैसा बनाया तुमने अभी ऐसी मार्केट में? तुमने कितना पैसा बनाया ऑप्शन सेलिंग करके, सही सही बताना भाई। छोड़ दो, बड़े से बड़े तुम्हारे जो यूट्यूबर जो बोलते हो, ये कई लोग तो बोलते हैं इंडिया का नंबर वन क्या है ऑप्शन सेलर, ब्यूटीफुल हिंदी में कन्वर्ट कर लेना उनका नाम, यूट्यूबर भी है वो, तो वो खुद बोल रहे हैं कि लॉस कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से लॉस ही हो रहा है उनको, ऐसी मार्केट रह रही है, वॉलेट है। मैं तो 6 महीने से नहीं, मेरे को तो 1.5 महीने 2 महीने से लग रहा है बॉस, ये अप्रैल के बाद तो कुछ ज़्यादा ही अनप्रिडिक्टेबल हो गई है मार्केट, और अभी पिछले 15 दिन से तो वाकई अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। एंड ऑप्शन बायर्स की बात करें, ऑप्शन सेलर तो वैसे नहीं बना पा रहे क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा रह रही है कि वो खुद नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे। ऑप्शन बायर की जब बात आती है, वो बताओ क्यों नहीं बना पा रहे यार? अपने में उतना जिगर है नहीं, क्योंकि अपना में क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स है, वॉलेटिलिटी, वो क्या है, ग्रीक्स अपने को खा जाता है अपना प्रीमियम, राइट? वो ग्रीक्स खा गया प्रीमियम और अपन होल्ड नहीं कर सकते ऑप्शंस को पोजिशनली, तो हमारे बायर्स क्या करते हैं, 10-20% बना लेके निकल जाएंगे, 10 का 20 हो गया, 20 का 25 हो गया, तो ही बस निकल जाते हैं, क्योंकि उतना ही है बॉस, क्योंकि वो प्रीमियम चूस लेता है एक भी स्विंग में, सबको पता है वो तो, राइट? तो हम वैसा पैसा नहीं बना पा रहे बड़ा। ऑप्शन सेलर वैसे परेशान है, मार्केट ऊपर से सिरदर्दी दे के रखी हुई अपने को, क्या है ये? सर ठीक है, ये सब छोड़ो, हम आपकी वीडियो देखने आए व्यू के लिए, व्यू बताओ अब क्या होगा? सर, मार्केट जो कल हाई मारी है वो 3 दिन पहले का हाई है, 3 दिन मतलब, तो थर्ड थ्री टू ट्रेडिंग सेशन छोड़ के थर्ड ट्रेडिंग सेशन की कैंडल देखो, सेम हाई है ऑलमोस्ट, सेम बैंक निफ्टी में भी वही किया है, निफ्टी में भी वही किया है। अब इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है मेरे भाई, निफ्टी में 16,300 वही रेसिस्टेंस, अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से वही बना हुआ है, बट मजे की बात इस बार थोड़ा क्या कहते हैं, अगर ये टेक ओवर कर लेता ना इस बार 16,300 को, तो इस बार 16,400 काट देगी। एक लर्निंग ले लो आप, सर लर्निंग दो पहले। सर कल की जो मैंने, कल मतलब जो लास्ट वीडियो मैंने एक व्यू की अपडेट करी थी आपको, उसमें मैंने क्या कहा था मेरे भाई, कि आप 17,000 15,750 के पास जो कोई लेवल था, मैंने बोला वो लेवल टूटा तो गया, क्यों भाई? एक बात याद रखो सर, आप एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ मैं, एग्जाम्पल सुनो पहले। सर आप एक हथौड़ा लो, हथौड़ा लो, नीचे जमीन है ना आपकी, सपोज यू आर लिविंग इन एनी फर्स्ट फ्लोर और एनी फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे आप ठहरे हुए हो, नीचे जमीन ये है फ्लोर, फ्लोर पे क्या करो, हथौड़ा मारो, पहली बार मारा ज्यादा डैमेज नहीं होगा, दूसरी बार मारने के डैमेज नहीं होगा, तीसरी बार डैमेज होगा थोड़ा, चौथी बार अगर और जोर से मार दोगे तो क्या होगा, टूट जाएगा भाई, राइट? सेम वे आपकी निफ्टी क्या करी, 3 बार ऑलरेडी हथौड़ा मार चुकी है वो लेवल पे, चौथी बार जब मारेगा ना, क्योंकि कमजोर हो जाता है फ्लोर, कमजोर हो जाएगा आपका, तो क्या होगा, चौथी बार जब मारने जाएगी टूट जाएगी मेरे भाई, दैट इज योर सपोर्ट जो तोड़ने का, तुम्हारे यहाँ ठहरे हुए ना ये सपोर्ट है। सेम वे तुम छत है, छत पे भाई हथौड़ा मारो, पहली बार कुछ नहीं होगा, सीलिंग आई मीन टू से सीलिंग, दूसरी बार मारो थोड़ा इफेक्ट होगा, तीसरी बार और इफेक्ट, अब 16,400 का लेवल तुम्हारा वो है, अब ये फोर्थ टाइम जा रही है हथौड़ा मारने, शायद फोर्थ या थर्ड टाइम, तो अब अगर मारेगी ना इस बार, हो सकता है पावरफुल तरीके से मार दे और हमारा जो 16,600 का टारगेट है वो हिट हो जाए। बट उससे पहले इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, 16,300 मेरे भाई, अगर निफ्टी को बाई करना है तो ही 16,300 के ऊपर बाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे,
16,300 के ऊपर कैंडल सस्टेन होना मांगता, बॉस सस्टेन होना मांगता और उसका हाई ब्रेक होना मांगता। क्या करता है ये ऑपरेटर भी बहुत होशियार बन गया बॉस, सबको मालूम है आज की तारीख में, तुम्हें भी टेक्निकल आता, मेरे को भी टेक्निकल आता, उसको भी टेक्निकल आता, सबको पता है। क्या करेगा, घुसाएगा हथौड़ा, तुम क्या करोगे, अरे यार टूट गई सीलिंग, टूट गई, चलो अपन अब बाई करेंगे। नहीं 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 कैंडल सस्टेन होने देना बॉस, ये बात याद रखो। अब सस्टेन होने के बाद हाई कटने दो, अब नहीं अगर यू टर्न मार रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाई नहीं करेंगे। अगर सस्टेन होता है तो 16,400 पहला टारगेट, 16,400 पे बॉस एक 5 मिनट कैंडल सस्टेन करा दो, हाई ब्रेक करा दो, 16,500-600 आपके आंखों के सामने बॉस, आंखों के सामने। अब अच्छा 16,600 भी नहीं, मेरा 16,800 हो गया अब टारगेट, जो कि जो पैटर्न एक बन रहा है बॉस, अगर वो कंफर्म हो जाए 16,400 कटने के बाद, वो 16,800 का बता रहा है टारगेट। ये हो गया निफ्टी। अच्छा अब बाई की नहीं, अपन सेल भी दे देंगे भाई बैकअप। 16,000 एक सपोर्ट है, अगर यहां से रिवर्सल दिखा तो अगेन 16,300 के बीच में खेल लेगा। 16,000 तोड़ता है तो नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, बट सुपर सेलिंग अगर मतलब पैसे लगा के बैठने वाली सेलिंग तो 15,800 के नीचे आएगी। 15,800 मतलब 15,800, अदरवाइज पावरफुल सेलिंग नहीं आएगी मेरे भाई। इस बार 15,800 काटा तो सब कुछ काटा नीचे की तरफ, नहीं तो एक बाउंस जो मैं आपको लेवल दे चुका हूँ वो। अब बात करते हैं सर बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी मेरे भाई बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही पावरफुल है। 34,400 पे अपना क्या होगा, 34,400 पे अभी एक रेसिस्टेंस है, क्योंकि जो दो दिन पहले भी दो ट्रेडिंग सेशन छोड़ के वो कैंडल जो क्लोज हुई वो भी वहीं पे है, तो वो लेवल अगर क्रॉस करता है तो 34,800 का लेवल है बॉस अपना इस बार। अगर वो सस्टेन कर लेती है कैंडल तो 34,800 के चांसेस हैं, और 34,800 क्या है, सीलिंग है बॉस, और सीलिंग को हथौड़ा अगर पावरफुल लग गया तो 35,126 और 35,200 के जो मैंने टारगेट दिए थे बॉस वो आना ही आना। क्योंकि भाई देखो कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि गिरते जाएगी, थोड़ा रिट्रेस करेगी फिर गिरावट आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं तेजी आ गई है, बट मैं ये कह रहा हूं मेरे जो टेक्निकल एनालिसिस जो बोलती है मेरे को उसके हिसाब से वहां तक एक बार जाना चाहिए बॉस, क्योंकि बिल्कुल तसल्ली मिलती बॉस वहां से फिर शॉर्ट करने का, समझे। थोड़ा ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करने का मजा भी आता है, एकदम ऐसे लेवल पे मेरे को नहीं है, कंफर्ट नहीं है, या तो फिर पूरा जो सपोर्ट है वो टूटे बाद देखूंगा, बीच में नहीं होता बॉस। क्या लॉस मेकिंग काम करना ही नहीं है मेरे को, दुनिया का अपन पहले खा के, तो ये सब चीजों से मेरे को उतना नहीं आता। अब नीचे की तरफ सपोर्ट है 34,000 और 33,800, बिकॉज क्या है यार कहाँ खुलेगी मंडे पता नहीं, अभी तो शायद 16,150-16,180 के पास है, तो 34,000 आपका बैंक निफ्टी या 33,800, ये दो सपोर्ट है, इसके नीचे ठोको अदरवाइज सपोर्ट लेके बाउंस करा तो 34,400 का टारगेट। 34,400 पे एक भी कैंडल, 34,800 पे एक कैंडल सस्टेन करा दो, 400 पॉइंट की रैली एंजॉय मारो। इतना ही था वीकेंड पे अपना व्यू, कैसा लगा कमेंट में बताना बॉस। नए हो सब्सक्राइब करो, पुराने हो सब्सक्राइब कराओ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, हैव ए नाइस डे एहेड।